ऑल इंडिया मिली कौंसिल राजस्थान द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया राजस्थान एवं देश में फैल रही सांप्रदायिकता की गौर निंदा करती है। पिछले दिनों राजस्थान के अलवर क्षेत्र में हुई घटना, जिसमें एक मुस्लिम मेव गरीब लकड़हारे को वन विभाग के लोगों के साथ अन्य लोगों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। दो अन्य लोग गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इससे पहले गोरक्षा के नाम पर दो मुस्लिम मेवों को कार में डालकर जिंदा जला दिया गया, जिसका मुख्य आरोपी मनवानेसर अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जयपुर मुंबई रेल में घटित घटना में पुलिस कर्मी द्वारा तीन मुस्लिमों को गोली से भून दिया गया। मृतकों में एक जयपुर निवासी असगर भी था, जिसके परिवार को राजस्थान सरकार ने अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया। ये सब घटनाएं मौजूदा सरकार का मुसलमानों के प्रति भावनाओं से खिलवाड़ को दर्शाती है। हम राजस्थान के मुसलमान, जिनकी वजह से आज ये सरकार अपने 5 साल पूरे कर रही है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों के वोटों पर राजनीति करके मुसलमानों के साथ ही धोखा किया जा रहा है। मिली कौंसिल राजस्थान सरकार से मांग करती है इन सभी सांप्रदायिक घटनाओं से प्रभावित मुसलमानों को अविलंब सहायता राशि एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करे। ऑल इंडिया मिली कौंसिल राजस्थान में सियासी बेदारी राजनीतिक चेतना मुहिम के तहत आने वाले चुनाव में समाज में जागरूकता लाने के लिए आह्वान करती आ रही है। आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है जी, तो आपका मुख्य बिंदु क्या है, आपने क्यों प्रेस बुलाया? देखिए, मुख्य बिंदु तो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना है कि मुसलमानों के जो काम नहीं हो रहे हैं वो काम किए जाएं। दूसरा, आवाम को ये बताना है कि इलेक्शन आने वाले हैं, बेदार हो जाएं। अगर आपके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, अपने नाम चेक करें और अपने वोटर लिस्ट में नाम बनाएं। ये दो मकसद हमारे हैं आज के। आप मुख्यमंत्री से या मंत्रियों से इस मामले में कुछ आपकी जो बातें हैं जो आपने बताई है कि सांप्रदायिकता बढ़ावा जो व्यवहार का इलाका के इलाके में जो घटना कर रही है, तो आप मुख्यमंत्री से मिलने का कोई प्रयास करेंगे इसके लिए कि राजस्थान में माहौल खराब नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री से मिली कौंसिल मिलने का प्रयास पिछले कई सालों से कर रही है, लेकिन अपॉइंटमेंट अभी तक आ नहीं रहा है। मुख्यमंत्री साहब खुद इतने मसरूफ हैं कि वो अभी तक टाइम नहीं दे पा रहे हैं। यकीनन अगर हमें टाइम मिलेगा तो ये सारा का सारा जो आज आपके सामने बयान किया गया है वो उनके सामने भी रखा जाएगा। तो कर सकते हैं, वो टाइम नहीं दे रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? महीना भर बचा है, माहौल जो देश में खराब हो रहा है उसका राजस्थान में पड़ रहा है। यकीनन ये आप सोशल मीडिया से आप भी इससे वाकफियत होंगे कि मिली कौंसिल अपने सोशल मीडिया से बार बार ये सरकार से अपील करती आई है कि मुसलमानों को उनका हक दिया जाए। मुसलमानों के बहुत सारे हुकूक हैं जिनकी पामाली हो रही है, मुसलमानों को बहुत सारे हुकूक नहीं मिल रहे। हम उसके लिए कोशा हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि राजस्थान के अंदर जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी मुस्लिम पार्टियाँ हैं, वो सब मिलकर इस चीज़ को उठाएंगी तो इसका असर इंशाल्लाह जल्दी होगा। राजस्थान की आवाम से आप क्या अपील करेंगे? देखिए, राजस्थान के आवाम से हम एक अपील करेंगे कि जिनको जिनका हक नहीं मिल रहा है वो सरकार से उनका हक मिलना चाहिए, सबसे बड़ी अपील। और हम आवाम से ये अपील करेंगे कि जो लोग जिस भी अधिकार से महरूम हैं, जिन्हें अधिकार, वो इस आवाज़ को उठाएं और सरकार तक पहुंचाएं। नहीं, जो माहौल खराब हो रहा है, जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का इससे, इसके लिए आप राजस्थान की 7 करोड़ आवाम से क्या करेंगे? राजस्थान का माहौल खराब नहीं है। देखिए, राजस्थान के आवाम से हम ये अपील करेंगे कि जो बहकावे के वीडियो आते हैं, जो बहकावे के बातें कही जाती हैं, उनके ऊपर ध्यान न दें। ये बीजेपी कह लो, जो एक इलेक्शन आने के लिए अपने नए नए तरीके पोलराइजेशन के अपना रही हैं, चाहे वो वीडियो ब्रॉडकास्ट करें, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलें। लेकिन हम आवाम से, समझदार लोगों से, सारे हिंदू मुस्लिमों से ये कहेंगे कि वो इसका असर न ले। जो इंसानियत का एक रास्ता है, उस इंसानियत के रास्ते पर चले। आवाम को हम इंसानियत का रास्ता अपनाने के लिए कहेंगे।